मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा हम सबका नाम रोशन करेगा। Hey guys, welcome to my YouTube channel. My name is Pranav. You guys are watching Joshing Around, so let's get started. तो लॉकडाउन चल रहा है, कुछ करने को नहीं है, तो सोचा क्यों ना फिर से YouTube ट्राई कर ले, मे भी चल जाए। तो दिस वीडियो इज फॉर फ्यूचर मी, ताकि बुढ़ापे में कुछ देखने को कंटेंट हो और साथ साथ मोमेंट्स भी कैप्चर हो रहे हैं और शायद आप लोगों की कुछ मदद भी हो जाए। तो इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि मैं आइलैंड कैसे आया नहीं, मतलब मैंने आइलैंड में घर कैसे ढूंढा। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं आइलैंड आने का, मतलब मे बी द फ्यूचर स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी तो कोविड चल रहा है हर जगह, तो सब जगह बंद है, बट कभी भी जब भी ये सब खुलेगा और आप लोग आने का सोचें, तो आप लोग घर कैसे ढूंढ सकते हैं। आयरलैंड में अकेला आया था तो मैंने पहले दिल्ली से डबलिन की फ़्लाइट ली थी, तो दिल्ली से डबलिन की फ़्लाइट ली, फिर डबलिन में मेरा इमिग्रेशन हुआ, फिर वहाँ से मैंने कॉर्क की ट्रेन ली थी। तो ऐसा क्यों लिया था, क्योंकि सस्ता पड़ रहा था, जब भी सस्ता पड़े ले लेने का। सो गाइस, जब मैं आयरलैंड आया तो मैंने एक एयरबीएनबी बुक कराया था, क्योंकि एयरबीएनबी इसलिए बुक कराया क्योंकि इमिग्रेशन में दिखाना पड़ता है कि आप कहाँ पे रहोगे, और उस टाइम पे कोई जगह नहीं थी, तो मैं कहा क्यों नहीं एक एयरबीएनबी बुक करा लें। और एयरबीएनबी आपको बहुत सस्ता पड़ जाता है, अराउंड 2000 रुपये महीना, 2000 रुपये दिन का, महीना नहीं, ब्लॉगिंग सही में टफ है यार, तो 2000 रुपये दिन का पड़ जाता है आपको। वेल, रब का शुक्र है, एक दिन मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में गया खाना खाने, और वहाँ पर मुझे दो इंडियंस और मिल गए जो खाना खा रहे थे, और तुम लोगों को तो पता ही यार, हम इंडियंस में भाईचारा बहुत होता है। तो बस वही बातचीत शुरू हो गई रेस्टोरेंट में, बातचीत में ये पता चला कि वो भी मेरे कॉलेज के हैं, तो हमने कहा क्यों ना यार साथ में घर ढूंढ ले। तो उस रात हम यूं ही मिले, हम दोस्त बन गए, और फिर हमने साथ घर ढूंढा। जो एयरबीएनबी था वो मैंने एक हफ्ते के लिए बुक किया था, एक हफ्ते के लिए इसलिए किया था ताकि उस टाइम पे मैं सारी जगह जाके ढूंढ सकूं घर और ये सब ढूंढूं। तो मैं बहुत सारी जगह गया, लैंडलॉर्ड से मिला, कहीं कहीं जगह के घर नहीं अच्छे लग रहे थे क्योंकि बहुत छोटे रूम्स थे, कहीं कहीं जगह पर बहुत दूर था घर मेरे कॉलेज से, और कहीं कहीं एक जगह तो मेरी बात बन भी गई थी, लेकिन फिर लैंडलॉर्ड ने एंड मोमेंट पता नहीं क्यों प्राइस रेस कर दिया, और फिर मैं नहीं ढूंढ पाया। और सबसे फ़नी फैक्ट क्या था, एक मुझे इंडियन इससे पहले भी मिला था, और वो बहुत ज़्यादा ब्रो कर रहा था कि ब्रो मेरे साथ रह लियो ये वो, तो मैं कहा चल ठीक है, वो मुझसे बड़ा भी था। तो एक बार उसका मुझे कॉल आया कि भाई घर मिल गया, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, मैं तुझे शाम तक बता दूँ। मैं कहा चलो भाई बढ़िया, घर मिल गया। तो मुझे कहता है यार बस एक प्रॉब्लम है। मैं कहा हाँ बता क्या प्रॉब्लम है। कह रहा यार वो ना सिर्फ कपल्स को घर दे रहे हैं, तो तू ऐसा कर एक लड़की जुगाड़ कर ले। लड़की जुगाड़ कर ले, ये क्या लॉजिक होता है भाई, कपल्स को घर दे रहे तो लड़की जुगाड़ कर ले भाई, मैं भी कोई लड़की ढूंढना, तो साथ मिलके रहेंगे। लड़की दिलवा मतलब मेरा क्या गोदाम है क्या लड़कियों का। तो मैं उस दिन समझ गया था कि वो बंदा बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो उसके साथ मैंने रहना छोड़ दिया, उससे बात करनी छोड़ दी। लेकिन वो बात छोड़ो साइड में, उसके बाद जाके फिर मुझे ये जो लोग मिले थे इनके साथ मैंने ढूंढा, और बहुत सारे घर देखने के बाद हमने कम से कम इनफैक्ट 10 से 15 घर देखे होंगे, 10 से 15 घर देखने के बाद जाके हमें ये घर फाइनली अच्छा लगा। इस वक्त अपने घर में कुछ 570 यूरो का रेंट दे रहा हूँ, जो कि लगभग 45,000 रुपीज़ हो गए। आई नो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिर्फ रेंट ही है, और सारी चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। तो गाइज आइए मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, एंड आई डोंट नो आवाज ढंग से आएगी नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत सस्ती व्लॉगिंग हो रही है, तो हमारे पास कोई माइक वाइक नहीं है इस वक्त। तो गाइज ये है मेरा घर जहाँ पे इस वक्त मैं रह रहा हूँ, ये पूरा नहीं है, दिस जस्ट हाफ, ये सेमी अटैच हाउस कहते हैं। साथ में आगे गार्डन दिया हुआ है इन लोगों ने, ये हमारे पता नहीं किस बच्चे की साइकिल यहाँ पे छूटी हुई है, पर यहीं पड़ी हुई है तब से। और ये पीछे का एरिया है जो कि पूरा जंगल बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर कोई टेक केयर ही नहीं करता है इसकी हमारे अलावा, और हम आलसी हैं सबके लिए। तो गाइज यहाँ से एंट्री है घर की, आप अंदर घुसो, जूते पड़े हैं, डस्टबिन पड़ा है, क्योंकि बैचलर्स का घर ऐसा ही होता है। ये हमारा किचन है गाइस, और जो कि बहुत मैसी है, क्योंकि यू नो हम ढंग से रहते नहीं। यहाँ पे हमारा टेबल है, यहाँ पे हम खाते हैं पीते हैं, क्योंकि मैं इस वक्त ये जो घर है ये मैं 5 लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये हमारा फ्रिज है जिसमें हम सारा सामान भर के रखते हैं, और सबके दूध हो गए, खाना पीना ये सब, ये पता नहीं किसका है, इतने कौन छोड़ गया। और 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग। तो गाइस कुछ लोग बोलेंगे कि 540 यूरो दे रहा है महीने का, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, तो उन लोगों को मैं ये बता दूं कि 540 एक्सपेंसिव नहीं है,
कंपेयर टू जो फैसिलिटीज मुझे साथ साथ मिल रही हैं इस घर में। तो इतने अमाउंट में हमारे इसमें इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड है, वाईफाई इंक्लूडेड है और साथ साथ यहाँ पे मंथली डिस्पोजल होता है, तो मंथली डिस्पोजल उसमें इंक्लूडेड है। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि मेरा कॉलेज यहाँ से 5 मिनट दूर है, तो 5 मिनट दूर है तो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस बचता है और साथ साथ टाइम भी बचता है। आज मौसम काफ़ी अच्छा है आइलैंड में, नहीं तो मोस्टली ठंड रहती है। और बेस्ट चीज़ पता है क्या, घर के पीछे इतना बड़ा लॉन हमें दे रखा है, यहाँ पे हम क्रिकेट खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बाइक और दिल्ली में ऐसा मिल जाए तो यहाँ पे एक और बिल्डिंग खड़ी कर दूँ मैं अपने घर के लिए। और ये छोटा सा डॉल हाउस आपको लग रहा है, डॉल हाउस नहीं है, इसमें हमारी वॉशिंग मशीन, हमारा हीटर और सब कुछ होता है। और बाकी ये मेरा बैक साइड ऑफ द हाउस है, यहाँ से दिख रहा है शीशा भी खुला पड़ा है और मेरा दोस्त वॉशरूम के अंदर बैठा हुआ है। स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। एनीवे तो यही है, दिस इज माय हाउस, इसलिए मुझे सही लगता है कि यहाँ पे इतना पैसा देना वर्थ इट ही है। गाइस ये तो थी मेरी कहानी, ये मैंने आपको बताया मैंने घर कैसे ढूंढा। अगर आप लोग घर आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत इजी है, क्योंकि अब ये साइट्स मुझे यहाँ पे आके पता चली, यहाँ पे दो साइट्स हैं सबसे ज़्यादा चलती है, एक है rent.ie और एक है daf.ie। तो कभी भी आप कहीं पे भी हो वर्ल्ड में, आप वहाँ पे जाइए, rent.ie लिखिए, वहाँ पे पूरा आयरलैंड का मैप आ जाएगा। आप वहाँ पे अपनी जगह चूज़ करिए जहाँ पे आपका कॉलेज है, आपको सारे रेंट मिल जाएंगे, आप वहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ पहले पता होती तो मैं पहले ही सब प्री बुक करके आता, बट नहीं पता चला। तो मे बी आप लोग कभी आओ तो आप लोगों की हेल्प हो जाए। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, अब ये बहुत फनी है बोलना, बट प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। और बाकी आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको और किस चीज़ के बारे में पता करना है अबाउट आयरलैंड। ऑल्सो मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल आपको दे रहा हूँ, तो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो। तब तक लेट्स मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट।